नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां रविवार 1 नवंबर 2020 को जितवारपुर स्थित हाउसिंग बोर्ड के मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर अपने संबोधन को शुरू करते ही महागठबंधन पर हमला बोल दिया। उन्होंने महागठबंधन, खास कर तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव को जंगलराज का युवराज तक कह डाला। साथ ही वाम दलों पर नक्सलियों का साथ देने का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना भी साधा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महागठबंधन में शामिल सभी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अपने परिवारवाद तक ही सिमटी हुई है। सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बिहार के विकास के लिए बिहार की विशेष सहायता की है तथा विशेष योजनाओं की शुरुआत की है, जिसके सहारे ही बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। वहीं सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि महागठबंधन में कुल 4 पार्टियां शामिल है, जिसमें पहली पार्टी है राजद, जिसने बिहार के विकास को छीना। पति पत्नी के इस पार्टी ने बिहार के सामाजिक समरसता को छीना और उसी के साथ है माले पार्टी, जिसने बिहार के 2 दर्जन से अधिक जिलों में खूनी क्रांति कराई है। तीसरी पार्टी है CPI, जिसने पूरे बिहार में जमीन हड़प्पो आंदोलन चलाया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वे आने वाले दिनों में बेगूसराय से CPI को नेस्टो नाबूद कर देगी। और चौथी पार्टी है कांग्रेस, जिसने दरभंगा जिला के जाले विधानसभा से एक ऐसे व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाया है जिसने जिन्ना के नक्शे एकदम पर चलने की कसम खा रखी है। गिरिराज सिंह ने सभा में उपस्थित लोगों से ऐसे राजनीतिक पार्टियों से बचने की अपील की। आयोजित इस सभा को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, विजय चौधरी, रामनाथ ठाकुर आदि ने भी संबोधित किया। आपको बता दें कि आयोजित इस सभा को पूरी तरह हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार उसी रंग में रंगने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस सभा में ढेरों खामियां भी देखने को मिली, जिसमें हिंदू धर्म में अपनाए जाने वाले रीति रिवाजों की धज्जियां भी उड़ते हुए देखा गया, जिससे संबंधित खबरें कुछ देर बाद प्रकाशित की जाएगी। अभी तक के लिए बस इतना ही, कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। और बिहार के विकास के लिए इन्होंने विशेष सहायता की है, विशेष योजनाओं की शुरुआत की है, उससे आज बिहार आगे बढ़ रहा। अब हम लोगों का जो चुनाव है, हम इस चुनाव के दौर में आप यहां पधार गए, इसके लिए मैं इनका अभिनंदन करता हूं। और आप सब नजदीक अपनी बात ये रखेंगे, लेकिन जो कुछ भी बिहार के विकास के लिए आपने किया है, इसके लिए सारे बिहार के लोग आपके प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं। जो महागठबंधन अपने को कहता है, उस महागठबंधन में कौन कौन पार्टी है, जरा कान खोल करके सुन लो और मेरी बातों को मनन करना, चाहे गाली देकर के ही मनन करना, मेरा प्रार्थना है कि मेरी बातों पर मनन करना। करोगे ना? करेंगे, सोचेंगे कि हम गर्जना शुरू कर देंगे? नहीं नहीं, अरे नहीं तो ताली बजा के बताओ ना, हमको लगे कि हो या नहीं। हाँ, ये हुआ कि नहीं करिया, डर लगता है। मैं भाइयों, एक गठबंधन में RJD है मुख्य, जिस RJD ने बिहार के विकास को छीना। लोग कहते हैं पत्रकार 15 साल पीछे क्यों जाते हैं, तो मैं कहता हूं कहां चला जाऊं, जापान चला जाऊं, मैं कहां चला जाऊं, अमेरिका चला जाऊं, या आजादी के पहले 15 साल जो पति पत्नी का राज हुआ, वो RJD है जिसने बिहार की सामाजिक समरसता को छीना, जो बिहार के विकास को छीना। उसके साथ कौन है? वो है माले। ये माले को जानते हैं आप लोग? ये माले शाहबाद से लेकर के बिहार के 2 दर्जन से ऊपर जिलों में खूनी क्रांति करने का काम किया है।
जानते हैं तो जरा तालियों बजा करके हमारा समर्थन करें। जानते हैं मालिक खूनी क्रांति करने वाला है, दूसरा है मालिक जो लोगों की हत्या करने का काम किया, जो बम फटाके फोड़ने का काम किया, जो किसान और मजदूरों को लड़ाने का काम किया, और तीसरी पार्टी है कॉम्युनिस्ट जो उत्तर बिहार से लेकर दक्षिण बिहार तक जमीन हड़पो आंदोलन शुरू किया। मैं बेगूसराय का सांसद हूँ, बेगूसराय में इस सीपीआई को निर्मूल कर दूंगा, वहां कोई नामो निशान लेने वाला नहीं होगा। चौथी पार्टी है उसका नाम है कांग्रेस, यहां भी लड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी आज दरभंगा जिले से जाले विधानसभा से उम्मीदवार दिया है, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन उसके कर्तृत्व को बताऊंगा। उसने जिन्ना के रास्ते पर चलने का कसम खाया है। जानते हैं जाले के विधानसभा से मिला है कांग्रेस का उम्मीदवार? जानते हो तो जरा तालियां बजा करके बताओ। जाले के उम्मीदवार जिसने जिन्ना के रास्ते पर चलने की कसम खाई है, अगर जो विरोध करना चाहते हो जरा तालियों बजा करके उसका विरोध करो। अब एक है लोगों की हत्या करने वाला, एक है विकास को छीनने वाला, एक है मजदूर और किसान को दरार पैदा करने वाला, और चौथा है जिन्ना के रास्ते पर चलने वाला। और न ही बिहार की आकांक्षा, केंद्र सरकार और बिहार सरकार जो हजारों करोड़ रुपए बिहार पर निवेश कर रही है, उससे यहां के नौजवानों के लिए नए अवसर भी बन रहे हैं, रोजगार बढ़ाने के लिए उद्योग भी जरूरी है, आधुनिकीकरण भी जरूरी है। ये तब होगा जब बिहार में प्रगतिशील लोकतांत्रिक फिर सरकार रहेगी, बिहार में निवेश आएगा। ये तब होगा जब बिहार में निवेश के लिए उचित माहौल होगा। अब आप मुझे बताइए, जंगल राज की विरासत, जंगल राज के युवराज, क्या बिहार में उचित माहौल का विश्वास दे सकते हैं क्या? जो वामपंथी नक्सलवाद को हवा देते हैं, जिनका उद्योगों पर फैक्ट्रियों को बंद कराना यही जिनका इतिहास रहा है, क्या वो निवेश का माहौल बना सकते हैं क्या?